स्टूडेंट्स, आज मैं आया हूँ दूसरे न्यूमेरिकल के साथ। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले मैंने फर्स्ट वाले में एक तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियोस नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक न्यूमेरिकल आपको मेरे इसी वीडियो में हर चीज सीखने को मिल जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों को बार बार पुरानी पुरानी वीडियो ना देखनी पड़े। तो इसमें देखिएगा, इसमें हमको बोल रहा है कि अमोनिया रेफ्रिजरेशन निकाय। ठीक है, अमोनिया रेफ्रिजरेशन निकाय का तापमान 25 डिग्री से -10 डिग्री के बीच है। यदि संपीड़न के अंत में गैस शुष्क हो तो सीओपी की गणना कीजिए, जबकि हमें निम्न गुण दिए गए हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में मेन चीज ये होती है कि न्यूमेरिकल में ही हमें आंसर दिया रहता है, हमें खोजना रहता है कि निकालना क्या है और वो कहाँ से निकलेगा और हमें दिया क्या क्या गया है। ये चीजें मेन होती हैं। अब देखो, इसमें हमें T1 दिया गया है। ठीक है, जो लोअर टेम्परेचर होता है उसे हम T1 मानते हैं। ठीक, और हमें T2 दिया गया है। तो ये सारी जितनी भी चीजें टेबल में दी गई हैं, ये सब 1 हो गई। ठीक है, और ऊपर वाली 2 हो गई। ठीक, उसके बाद हमें क्या दिया गया, द्रव ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा, मतलब कि HFG हमें दे दी गई। ठीक है, HFG हमें दे दी गई और उसके बाद हमें H दे दी गई द्रव ऊष्मा में। ठीक, ये गलत लिखा है ये। हाँ, हीट है ना, द्रव ही। ये H हमें दे दी गई और ये हमें S दे दी गई। ठीक, एंट्रोपी मतलब S। अब देखो, अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाली वैल्यू किसकी है। इसको पहचानने का सिंपल, ये हमारा लोअर टेम्परेचर है तो लोअर टेम्परेचर हमने 1 माना है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा किसका मान, एच द्रव ऊष्मा HF1, मतलब कि ये किसका मान हो जाएगा, ये द्रव एंट्रोपी है और ये द्रव है। द्रव में हम क्या यूज करते हैं, फ्लड। ठीक है, एफ द्रव का मतलब एफ, HF। ठीक है, और ये SF। ठीक, तो ये हमें किसका मान दिया, ये HF का मान दिया, SF। तो ये मान किसका हो गया, HF1 HF2। ये किसका मान हो गया, SF1 SF2। और ये जो गुप्त ऊष्मा, ये क्या होगी, HFG1 HFG2। ठीक है, इस तरीके से हमें ये टेबल समझ में आ गई अच्छी तरीके से। ठीक, अब क्वेश्चन में हमें समझना है ये क्या बोला, संपीड़न के अंत में गैस कैसी हो, शुष्क हो। संपीड़न मतलब कंप्रेशन, जो कंप्रेशन वाला प्रोसेस होगा उसके अंत में, मतलब एग्जिट पर, एग्जिट पे गैस कैसी होगी, शुष्क होगी। ठीक है, तो देखो अब सॉल्व देखते हैं इसका सोल्यूशन। जो संपीड़क के अंत में जब हमें बोला जाए गैस शुष्क हो, तो इसका मतलब है कि जो लास्ट वाला पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट है कंप्रेसर, जो हमारा कंप्रेसर वर्क है, ये हमारा 1 से लेकर के 2 कंप्रेसर वर्क है, तो ये हमारा सेचुरेटेड लाइन पे होगा। और यहाँ पे जो हमारे शुष्कता गुणांक है x, इसे हम x2 मान लेते हैं। ठीक है, शुष्कता गुणांक x2। ठीक, तो x2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जब हमारा अंत में गैस शुष्क होगी तो x2 की वैल्यू 1। ठीक है, उसके बाद x2 की वैल्यू तो हमें पता होगी, लेकिन यहाँ पे भी हमारा कुछ शुष्कता गुणांक होगा x, जो हमें पता नहीं है और ना हमें दिया गया है। तो यानी कि x1 की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तभी हम सीओपी निकाल पाएंगे। तो x1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब सिंपली सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी S1 और S2 एंट्रोपी निकाल लेते हैं। अब एंट्रोपी निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है, S1 = SF1 + KX1 और SFG1। X1 की वैल्यू हमें पता नहीं है और SFG1 की वैल्यू हमको दी नहीं है, क्योंकि हमें SF की वैल्यू दी है, SG1 की वैल्यू नहीं दी है। क्योंकि हमारा जो ये SFG1 है, इसको हम चेंज कर सकते हैं SG1, SG1 माइनस के SF1। ठीक है, इसमें हम इसको बदलते हैं SF1 में। तो इस चीज में चेंज करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि टेबल में हमें SG1 की वैल्यू, गैस की वैल्यू नहीं दी गई है, केवल हमें फ्लूड की वैल्यू, द्रव की वैल्यू दी गई है। द्रव एंट्रोपी दी गई है हमें और द्रव इंथैल्पी दी गई है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये जो हमारे SFG1 है, इसको हमें किसमें चेंज करना है, इंथैल्पी में, मतलब कि HFG1 की वैल्यू हमें दी गई है, तो SFG1 को हमें जब चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा SFG1। ठीक है, SFG1
या एस एफ जी, सिंपल सा इतना फार्मूला याद रखो, एस एफ जी बराबर होता है एच एफ जी, ये एंट्रोपी वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एच एफ जी बटे टी, ठीक है। इस वाले फार्मूले से हम क्या करेंगे, एंट्रोपी को एंथैल्पी में, एंथैल्पी के फॉर्म में बदल के ये यहाँ पर इसने लिख दिया है, किसके फॉर्म में बदल के लिख दिया है, एंथैल्पी के, क्योंकि हमें एच एफ जी वन की वैल्यू दी गई है, तो अब हम टेबल से एस एफ वन और एच एफ जी वन की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, इस इक्वेशन को हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। उसी तरीके से हम एस टू निकाल लेंगे, एस टू का सेम फार्मूला होता है, यहाँ पे एस वन की जगह जहां वन है वहां टू कर दो, एस टू बराबर एस एफ टू प्लस के एक्स टू एन टू एस एफ जी टू, ठीक है। तो एस एफ जी टू को इस तरीके से यहां से बदल लोगे, इस वाले फार्मूले से इसने बदल लिया है यहां से, ठीक है, इस फार्मूले से इसको बदल लिया है, तो ये क्या हो गया, एस एफ टू प्लस के एच एफ जी टू बटे टी टू। तो एच एफ जी टू की वैल्यू हमें टेबल में दी गई है, वो हमने रख दी, ठीक। एस एफ टू की वैल्यू दी गई, तो हमें यहाँ से एक्स टू की वैल्यू, जो इसने एक्स टू इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ हमने फार्मूले में एक्स वन लिखा है ना, तो यहाँ एक्स टू होना चाहिए था, क्योंकि हमारी एक्स टू की वैल्यू क्या है, वन है, तो इसीलिए इसने डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है, यहाँ पे अगर वन का गुणा भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसने निकाल लिया है, एक्स टू की वैल्यू वन है, ठीक। तो ये यहाँ पे हमारा आ गया एक्स टू का मान। और यहाँ पे हम एक और सिंपल सी बात बताएं, जब हमारी एक्स टू की वैल्यू जहाँ पे वन होती है, तो ये जो एस टू होता है वो एस एफ टू के बराबर होता है। एस टू क्या होता है, एस एफ टू के बराबर होता है। अब देखो इसने कैलकुलेट करके भी निकाला है, जब हमें मान दिया गया है तो ये कैलकुलेट करके भी निकाला है। अब हम क्या करते हैं, टेबल से एस एफ टू की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। चूंकि हमें एस एफ की वैल्यू दी नहीं, एस एफ टू की वैल्यू हमें दी गई है, नहीं एस एफ टू के बराबर नहीं होता है, मतलब एस जी टू के बराबर होता है, मैं गलत बता दिया आप लोगों को, ठीक है। एस जी टू के बराबर होता है, क्योंकि ये जो एस एफ टू होता है ना, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे इस वाले फार्मूले से, एस जी वन माइनस के एस एफ एस एफ वन, तो एस एफ वन से एस एफ वन ये कैंसिल हो गया, तो ये एस जी वन बचेगा, हाँ एस जी टू, तो ये एस जी टू के बराबर होती है वैल्यू। लेकिन हमें एस जी टू का मान नहीं दिया, तो निकालना ही पड़ेगा, सिंपल है, निकालना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके बाद हमने जब S1 और S2 की वैल्यू निकाल ली, तो हमारी एंट्रोपी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से अगर हम देखें, तो एंट्रोपी जो हमारी है वो S1 इज इक्वल टू S2, दोनों आपस में इक्वल होती हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। तो बिंदु 1 तथा बिंदु 2 पर एंट्रोपी दोनों बराबर हैं, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। इक्वल जब हम करेंगे, तो यहाँ से हमें X1 की वैल्यू मिल जाएगी, X1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो सेम टू सेम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। H1 के लिए एच वन बराबर एच एफ वन प्लस के एक्स वन इंटू एच एफ जी वन, इसकी वैल्यू हम रख देंगे टेबल से, ठीक है। ये फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो एच वन की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद बिंदु टू पर सेम टू सेम एच टू निकाल लेंगे, यहाँ पे देखो एक्स वन लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक्स टू नहीं लिखा है, क्योंकि एक्स टू का मान हमारा क्या है, वन है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया, तो हमें एच वन और एच टू की वैल्यू पता चल गई, लेकिन हमें एच थ्री की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि H4, H4 इज इक्वल टू एच एफ थ्री, ठीक है, क्योंकि हमें फार्मूला चाहिए रहता है, एच एफ थ्री इज इक्वल टू होता है हमारा एच एफ टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एच एफ टू का मान हमारा कितना है, एच एफ टू का मान 298.9 है, तो हमारा एच फोर, ठीक है, जो हमारा एच फोर या एच एफ थ्री है, इसका मान हमारा वही हो जाएगा 298, ठीक है। जब हमारा ये देखो एच एफ थ्री का मान 298.9 हो गया ना, ठीक, तो हमारी जो सीओपी है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 6.8। ये हमेशा याद रखना है कि जो हमारा एच एफ टू का जो मान होता है, ये वाला द्रव एंथैल्पी का, यही वाला मान हमारा एच एफ थ्री का होता है, यही वाला मान हमारा एच एफ फोर का होता है,
ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। इस तरीके से हम सीओपी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट करके बताएं या फिर मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। थैंक यू वेरी मच।